गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास के 7 के बच्चों को मैं आज एक्सेल में कॉपी करने के लिए कॉपी कट करने के लिए मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले इसके लिए हम लोग MS Excel को ओपन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, MS Excel को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम, उसका MS Excel रहेगा। MS Excel को ओपन करने के लिए पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं और इसमें कुछ स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करने के लिए करना क्या होगा कि जैसे हम कोई भी चीज़ को टाइप कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इस सेल में संडे मंडे लिख लेते हैं, संडे और संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ले लिया, तो ये वाला जो थोड़ा सा डैंगिंग करके बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इस कॉलम को बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग कोई भी डाटा को एंट्री कर लेते हैं, 1 2 संडे में 30, उसके बाद मंडे में 60, ट्यूजडे में 12, इसके बाद वेडनेसडे में 99, थर्सडे में 45 और फ्राइडे में 25 और सैटरडे में 47। तो ये हम एंट्री कर लिए हैं। अब इसे कॉपी करने के लिए हम लोग करना क्या है, तो सबसे पहले अगर इसको कॉपी करना हो तो कॉपी करने के लिए फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द सेल रेंज। जितना को कॉपी करना है उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। माउस का लेफ्ट बटन ड्रैगिंग, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके, ठीक है, उसे ड्रैगिंग करेंगे तो आपका जो है ये सेल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट किया हुआ डेटा हाइलाइटेड हो जाता है। उसके बाद कर्सर को मूव द कर्सर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या इसी सिलेक्ट किए हुए डेटा पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन राइट माउस बटन। ठीक है, तो जैसे ये क्लिक ऑन राइट माउस बटन प्रेस करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उस बॉक्स में कट कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल इंसर्ट डिलीट क्लियर कंटेंट फिल्टर शॉर्ट इंसर्ट कमेंट फॉर्मेट सेल, ये सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल होंगे जिसमें से हमें कॉपी करना है तो कॉपी पर क्लिक करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग कॉपी नहीं करते हैं तो हमारा पेस्ट का ऑप्शन जो है वह हाइलाइटेड नहीं रहता है। तो इसके लिए कॉपी पर सब क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, जैसे क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्ट किया हुआ डेटा रहेगा उस पर लाइनिंग की तरह एक
रनिंग मूविंग रनिंग में आ जाएगा और इस डेटा को जिस स्थान पर हम लोग कॉपी करना पेस्ट करना है वहाँ पर ले जाकर करके पेस्ट करेंगे, यानी मूव द कर्सर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो चलिए हम लोगों को इस एक सेल को छोड़ कर करके इस सेल में पेस्ट करना है, तो माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वहीं पर उसी सेल पर राइट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन राइट माउस बटन। तो जैसा कि पहले बॉक्स खुला था वैसा ही बॉक्स खुलेगा। उस जब कॉपी किए थे तो उसमें पेस्ट और स्पेशल पेस्ट हाइलाइटेड नहीं था, अब यहाँ पर पेस्ट करने की बारी है, तो यहाँ पर कॉपी कर लेने के बाद पेस्ट और स्पेशल पेस्ट ऑप्शन जो है वह हाइलाइटेड है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, जैसे क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है जो भी डेटा वहाँ पर है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो हम लोग जितने बार इसे कॉपी करेंगे, जितने बार कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो हमारा या राइट क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा कॉपी होते चला जाएगा। अब इसे हम लोग टू कॉपी सेल यूजिंग द माउस, ये माउस के द्वारा भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के द्वारा भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें टू कॉपी डेटा इन कीबोर्ड और टू कॉपी सेल्स यूजिंग द माउस, ये करता कॉपी कर सकते हैं और माउस के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो है सबसे ज़्यादा माउस का ही यूज करते हैं, तो इसे डिसलेक्ट, इसे फिर हम लोग यहाँ पर अगर कॉपी करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। देखिए कॉपी हो गया, तो जितने बार हम कॉपी करना चाहते हैं फिर यहाँ पर करेंगे कॉपी हो जाएगा कंट्रोल भी। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल में किसी भी डेटा को कॉपी कर सकते हैं बाय माउस बाय कीबोर्ड। अब है मूविंग सेल्स, इसी में थोड़ा सा और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को काम नहीं कर रहा है माउस, तो कीबोर्ड के द्वारा हम लोग जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है वहाँ पर अब उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके जोन साइड लेफ्ट अप डाउन और राइट एरो की का यूज करके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हो जाता है, इसका कलर चेंजिंग होता है ना, यानी शिफ्ट बटन शिफ्ट को प्रेस करके और एरो की को ही प्रेस करेंगे। अगर कर्सर अपर पार्ट्स में है और नीचे की ओर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो की नीचे रहेगा, तो ऊपर की ओर सेलेक्ट करना शिफ्ट प्लस अप एरो की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे कट करना है, तो कट करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करके ऐसे तो ये सिलेक्ट किया हुआ ही है ही, देखिए ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो जैसे ही कट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ये देखिए, और राइट क्लिक करेंगे कट, देखिए यहां से ये सिलेक्ट करके इस पे आ गया और इसे हम कहीं पर भी मूविंग ले जाकर कट करके यहाँ पर रखना चाहते हैं तो ये चीज़ को यहाँ पर हम लोग कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ से कट करके यहाँ पर आ गया, आया है नहीं। अब इसी प्रकार इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक ऑन राइट माउस बटन,
कट, उसके बाद यहाँ पर रखना चाहते हैं तो कंट्रोल भी, कट करके आ गया। अब होल डॉक्यूमेंट को ही हम लोग कट करना चाहते हैं, तो होल डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए जितने भी सेल है इसको सारे को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन राइट माउस बटन, और उसके बाद डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर से कट कर लेंगे, और उसके बाद इस कट की हुई चीज़ को शीट टू पर लगा सकते हैं। शीट टू पर चले जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करेंगे तो शीट वन से कट जाएगा, देखिए, ठीक है, और शीट टू में आ गया। तो इस तरह से हम लोग कॉपी डेटा को कॉपी कर सकते हैं, चाहे वह कीबोर्ड के द्वारा हो चाहे वह माउस के द्वारा हो। तो जिससे हम लोगों को सुविधा हो उसी के माध्यम के द्वारा हम लोग कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो कट कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। एडिट का जितने भी मेन्यू है वे सारे जो है सिलेक्ट कर करके ही कार्य होता है। और ध्यान ये रहे आप लोग इस वीडियो को देख कर करके जिन बच्चों के पास सिस्टम होगा वह करेंगे, ठीक है, और जिन बच्चों के पास नहीं है तो अपने अपने कॉपी में इस डेटा को लिखेंगे, है ना, नेम ऑफ डेज, और एक रैंक बना लेंगे, रैंक बना कर कर करके जैसा कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और ये डिजिट जो है इस तरह का डिजिट आप लोग लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही जो डिजिट लिखा हूँ वही लिखेंगे, आप चेंज भी कर कर करके इस चार्ट को इस डेटा को बना कर कर करके आप कॉपी में रफ कॉपी में बना कर करके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। थैंक यू बच्चों, आज क्लास यहीं तक।